આ દરમિયાન તેમણે રાહુલ ગાંધીના ભાષણ દરમિયાન ભરતસિંહ સોલંકીએ ટ્રાન્સલેટર ન બનાવવા અંગે નિર્ણય લેવાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. આની સાથે મેઘા પાટકરને જોડવા અંગે પણ કોંગ્રેસ સામે નિશાન સાધ્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે રાહુલ ગાંધી જ્યારે ભાષણ આપી રહ્યા હતા ત્યારે શરૂઆતની ક્ષણોમાં ભરતસિંહ સોલંકી એક ટ્રાન્સલેટર તરીકે જોડાયા હતા, પરંતુ થોડા સમયમાં ભરતસિંહે ભાષાંતર કરવાની ના પાડી અને બેસી ગયા હતા. આ અંગે સંબિત પાત્રાએ રાહુલ ગાંધી પર નિશાન સાધ્યું કે તેઓનું ભાષણ તો કોઈ સાંભળવા માટે તૈયાર નથી. આની સાથે કોંગ્રેસ પાર્ટી તથા રાહુલને કોઈને સાંભળવા માટે લોકો તૈયાર નથી. ઉલ્લેખનીય છે કે રાહુલ ગાંધી જ્યારે ભાષણ આપી રહ્યા હતા ત્યારે શરૂઆતની ક્ષણોમાં ભરતસિંહ સોલંકી એક ટ્રાન્સલેટર તરીકે જોડાયા હતા, પરંતુ થોડા સમયમાં ભરતસિંહ ભાષાંતર કરવાની ના પાડી અને બેસી ગયા હતા. આ અંગે સંબિત પાત્રાએ રાહુલ ગાંધી પર નિશાન સાધ્યું છે કે તેઓનું ભાષણ તો કોઈ સાંભળવા માટે તૈયાર નથી. આની સાથે કોંગ્રેસ પાર્ટી તથા રાહુલનું કોઈ સાંભળવા માટે લોકો તૈયાર નથી. ધન્યવાદ. આપ સબકો બહોત બહોત નમસ્કાર. ઓર મંચ પર આદરણીય અધ્યક્ષજી, શ્રી નિરંજનજી, મહાપૌર મહોદયા, મેરે મિત્ર और यूपी से विधायक शलभ मणि जी, और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ जितने भी पत्रकार मौजूद हैं, मैं सभी को नमस्कार और जय जगन्नाथ कहता हूँ. देखिए, मैं उड़ीसा से हूँ और मेरे लिए गौरव का विषय है कि मैं गुजरात की पावन भूमि पे, जगन्नाथ जी की भूमि से द्वारकाधीश और सोमनाथ जी की भूमि पे आने का ये पवित्र अवसर मुझे मिला है. इसके कारण मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबका कि आप सब मुझे सुनने आए. मैं आज गौरव महसूस करता हूं जब भी मैं भारत से बाहर जाता हूं, और जब भी मुझे कोई कहता है कि आप भारत से हैं, भारत तो बहुत आगे बढ़ गया है. जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत का गौरव जिस प्रकार से पूरे विश्व में बढ़ा है, एक उड़िया निवासी के रूप में, एक उत्कल निवासी के रूप में मुझे बहुत ही गौरव की अनुभूति होती है. और इस प्रकार का एक विराट नेतृत्व, एक गुजराती जो आज पूरे भारतवर्ष को नेतृत्व प्रदान कर रहा है, और केवल भारतवर्ष ही नहीं, ग्लोबल लीडर के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी उभर के आए हैं, इसलिए मैं गुजरात के इस मिट्टी को नमन करता हूं और प्रत्येक गुजराती को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को नेता बनाया, आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया. तो इसका नतीजा हुआ कि भारतवर्ष को एक ऐसा नेतृत्व मिला जो विकास के पथ पर अग्रसर भारत को आगे लेके जा रहे हैं. बंधुगण, ये छोटी बात नहीं है. 27 वर्षों तक अनवरत भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से गुजरात में सेवा करने का मौका मिल रहा है, उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है. उसके पीछे कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जात पात बांटने वाली, नेपोटिक जो जिसको कहते हैं भाई भतीजे वाली राजनीति, इन सबको ना करते हुए केवल विकास के विषय को आगे बढ़ाया है. इसीलिए आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को निरंतर 27 वर्षों तक पद पे रखा है. आज ये कितनी बड़ी बात है, 97% घरों में पीने का पानी मिल रहा है पूरे गुजरात में. 97% गुजरात आज पीने के पानी के लिए मोहताज नहीं है, उसे पानी मिल रहा है हर घर नल योजना के माध्यम से.